हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छा चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा उसके बारे में डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आंसर की के बारे में बात करते हैं। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो आंसर की रिलीज कर चुकी है, और जो स्टूडेंट को भी लग रहा है कि आंसर की गलत है या आंसर की में कुछ त्रुटि है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि हम आप लोग को दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये है ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलिए या फॉर्म बोलिए। दोस्तों, आपत्ति प्रपत्र। संयुक्त सहायक अभियंता और सैनिक सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 5/2019, ये फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आंसर की अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी आंसर की में त्रुटि है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और पूरा डिटेल में भर के स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, या पोस्टल सर्कल से स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, आंसर की रिलीज होने के बाद ये पहली बार हम बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को डिटेल में समझते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल की 132 से 139 के बीच में रहने वाला है दोस्तों। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 115 से 121 के बीच रहने वाला है। और एससी की बात करें तो दोस्तों, वो 103 से 109 के बीच में रहने वाला है। और एसटी की बात करें तो दोस्तों, 97 से 101 यानी कि 97 से 101 यानी 97 से 101 के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों, अब जिसका भी सेफ स्कोर आ रहा है तो वो प्रिपरेशन कर सकता है मेंस के लिए। तो जो दोस्तों, अगर 130 से 150 के बीच में आ रहा है तो वो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकता है दोस्तों। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और दोनों पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों, आज का बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।